गाइज, क्रेडिट कार्ड टू बैंक और मनी ट्रांसफर अगर आप करना चाहते हो तो आज मैं एक आपको प्रोसेस बताऊंगा, जिस प्रोसेस के थ्रू अगर आप क्रेडिट कार्ड टू बैंक और मनी ट्रांसफर करोगे तो आप सबको अच्छा खासा बेनिफिट भी मिल जाएगा और आपको क्रेडिट कार्ड टू बैंक और मनी ट्रांसफर भी हो जाएगा। उससे पहले जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो गाइज, क्रेडिट कार्ड टू बैंक और मनी ट्रांसफर करने के लिए आपको जो सपोर्ट करेगा एप्लीकेशन वो है पेजैप एप्लीकेशन। आपका तो ये एप्लीकेशन आपको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद यहाँ आपको जो मोबाइल नंबर थोड़ा आपको अकाउंट बना रहेगा मोबाइल नंबर आपको सिलेक्ट करना है, टर्म कंडीशन को एक्सेप्ट करना है और प्रोसेस पे क्लिक कर देना है। उसके बाद एक आपको सिम सिलेक्ट करना है, फिर आपको सेंड पे क्लिक कर देना है। सिम इसके लिए सिलेक्ट करना है क्योंकि आपको सिम वेरिफिकेशन यहाँ पर होता है, तो आपको सिम सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा ऊपर में, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड का ऑप्शन। तो अगर आपके पास कोई क्रेडिट कार्ड है तो क्रेडिट कार्ड से उसको वेरीफाई कर लीजिए, या अगर आपके पास कोई डेबिट कार्ड है डेबिट कार्ड के थ्रू भी वेरीफाई कर सकते हो। लास्ट का सिर्फ आपको 4-digit नंबर डालना है, तो जो भी आपको नंबर रहेगा वो नंबर आपको यहाँ पे डाल देना है। जैसे कि मेरे पास है 0914 है, तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ 0914 में डाला। उसके बाद आपको वेरीफाई अकाउंट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे वेरीफाई अकाउंट पे क्लिक करोगे उसके बाद अगर आपके मोबाइल में कोई वेरिफिकेशन कोड है, जैसे कि मेरे पास फिंगर है तो मैं फिंगर लगाया, तो यहाँ आपके जिसके नाम से भी अकाउंट रहेगा उसका नाम ऊपर में हाईलाइट होगा। हाईलाइट होने के बाद यहाँ देखिए बहुत सारा नया नया चेंजेस अभी इसमें करके दिया गया है। पर्सनली अगर आप क्रेडिट कार्ड टू बैंक और मनी ट्रांसफर करोगे तो इसके लिए भी ये एप्लीकेशन आपको अभी सपोर्ट करने वाला है। और अगर आप यहाँ से कोई शॉपिंग करते हो, रिचार्ज करते हो, बिल पेमेंट करते हो, फास्टैग रिचार्ज करते हो, तो उसके ऊपर भी आप सबको अच्छा खासा कैशबैक देखने को मिलेगा। सबसे पहले यहाँ आप देखने को मिलता है पेजैप वॉलेट। यहाँ हमको दिखा रहा है कि पेजैप वॉलेट जो आपको बैलेंस है वो वेरीफाई नहीं हो पाया है, कितना बैलेंस है वो आपको यहाँ पे शो नहीं हुआ है। तो चलो मैं इस पर वॉलेट पे भी क्लिक कर देते हैं। वॉलेट पर क्लिक करने के बाद यहाँ सबसे पहले आपको इसमें एक वर्चुअल कार्ड भी मिलता है, जो कि वर्चुअल कार्ड अगर आपको कभी एक्सपायर हो गया होगा तो वो डायरेक्टली आपको जो है री इशू हो जाता है, फिर से आप उस कार्ड को यूज कर सकते हो। सिर्फ एक्सपायरी डेट है ना वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हमको यहाँ बताया जा रहा है कि आपका वॉलेट जो है इनएक्टिव हो गया है। अगर आपका वॉलेट भी इस तरह से अगर इनएक्टिव हो गया होगा तो आपसे कस्टमर केयर कॉल करके इसको आप एक्टिव करवा सकते हो। एक्टिव करने के बाद एड मनी पे क्लिक करना है, आपको जितना बैलेंस का जरूरत रहेगा उतना अमाउंट आपको यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद प्रोसेस टू एड पर क्लिक कर देना है। प्रोसेस टू एड पर क्लिक करने के बाद अभी आप यहाँ पे एड मनी करने के लिए क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई, किसी भी तरीके से आप इसमें एड मनी आप कर सकते हो, ठीक है। तो अभी हम फटाक से यहाँ पे एड मनी कर लेते हैं। एड मनी करने के बाद आपको जितना बैलेंस का जरूरत रहेगा उतना बैलेंस आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ अगर आपको स्टेटमेंट की जरूरत पड़ेगा तो आप स्टेटमेंट भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। वॉलेट ट्रांजेक्शन अगर आपको चेक करना रहेगा तो वॉलेट ट्रांजेक्शन भी आप यहाँ से चेक कर सकते हो। यहाँ पे देखिए हमको दिखाया जा रहा है पेजैप वॉलेट का, जो ये था मेरा HDFC बैंक का प्रीपेड कार्ड था, यहाँ पर हमको दिख रहा है, ठीक है, सब कुछ। सो व्यू कार्ड करोगे तो आप कार्ड भी यहाँ पर सब कुछ शो हो जाता है, जैसे कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट, सब कुछ। यहाँ पर अभी मेरा वॉलेट बैलेंस कितना है, 1.59 रुपया है, तो वो हमको यहाँ पर शो हो गया है, ठीक है। अगर किसी कभी कभी लेट होता है लेकिन बाद में आपको ये शो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप जैसे कि यहाँ पर हमको वॉलेट ब्लॉक या अनब्लॉक क्या करना है आपको यहाँ से कर सकते हो, हालांकि हमको वहां से, क्योंकि आपको होता क्या, आपको 1 साल के अंदर अंदर वॉलेट में बैलेंस यूज करना ही पड़ेगा। आपको पता होगा अगर क्रेडिट कार्ड का हो चाहे क्रेडिट कार्ड का भी, अगर आप बैलेंस यूज नहीं करो 1 साल तक तो आपका ये इसी तरह से ब्लॉक हो जाता है, ठीक है। फिर आपको अनब्लॉक करवाना रहेगा तो आप कस्टमर को कॉल कीजिए, फिर आपको उसी दिन आपको 1 रुपया का ट्रांजेक्शन करना पड़ेगा, फिर जाकर आपको वॉलेट को एक्टिव किया जाता है, ठीक है। अगर आप कोई भी वॉलेट को यूज करते हो तो याद रखिएगा कम से कम आपको 1 रुपया किसी महीना न किसी महीना ट्रांजेक्शन जरूर कर लेना है, ताकि आपको वॉलेट जो एक्टिव रहे। और अगर आपको कभी भी जरूरत पड़ेगा अपने क्रेडिट कार्ड टू बैंक और मनी ट्रांसफर करने के लिए या जो भी काम करने के लिए भी, तो आप उसको यूज कर सकते हो, ठीक है। स्टेटमेंट हो गया, वॉलेट ट्रांजेक्शन आपको यहां से पता चल ही जाएगा, कार्ड आपको बताया गया कि अनब्लॉक कैसे होगा। उसके बाद यहाँ एक ऑप्शन आपको दिखाया था, सबसे पहले ऊपर हम देख लीजिएगा, हमको दिखाई दे रहा है अभी हमको वॉलेट यहाँ पे एक्टिवेट हो चुका है। अभी यहाँ पे हम देखिए पेजैप कैशबैक भी, आप इसमें जितना भी कैशबैक आपको मिलेगा ना वो सबको सब कुछ यहाँ पर कैशबैक शो होता है। अगर 100 रुपए इस पर क्लिक करो तो आप जितना भी कैशबैक आपको अर्निंग हुआ रहेगा, जैसे कि हमको पेजैप यहाँ से फास्टैग में रिचार्ज किया था क्रेडिट कार्ड के थ्रू, तो हमको टोटल 20 रुपया कैशबैक मिला था, तो आपसे यहाँ पर फास्टैग भी रिचार्ज कर सकते हो, उसके ऊपर आपको अच्छा खासा अर्निंग होता रहेगा, ठीक है। यूपीआई ऑफर चेक कर सकते हो, शॉप ऑफर, रिचार्ज ऑफर, पेजैप वॉलेट ऑफर आपको चेक करना है। पेजैप वॉलेट ऑफर तो यहाँ पर अभी 4 ऑफर चल रहा है, ये 4 ऑफर के थ्रू आप जो अर्निंग आसानी से कर सकते हो, तो ये आप सबके लिए अच्छा है, ठीक है। बाद बाकी अकाउंट डिटेल्स देखना चाहते हो अकाउंट डिटेल्स देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर शॉप के लिए हो चुका है, अगर आप शॉपिंग करोगे अपने क्रेडिट कार्ड के थ्रू, अपने डेबिट कार्ड के थ्रू, तो किसके ऊपर कितना कैशबैक मिलेगा ये सब कुछ यहाँ पर दिया गया, ठीक है। HDFC बैंक कस्टमर यहाँ पर दिया गया, 24/7 एक्सेस आपको ऑफर दिया गया है, आप कभी भी इसमें जो है बात कर सकते हो, ठीक है।
सबसे पहले क्रेडिट कार्ड टू बैंक को मनी ट्रांसफर करोगे ना, तो आपको यहाँ पे वॉलेट में जो एड मनी करना ही पड़ेगा। आपको जितना बैलेंस को जरूरत रहेगा उतना आप अमाउंट यहाँ पे डाल सकते हो। अमाउंट डालने के बाद एड पे क्लिक करना है। एड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप एड किस तरीके से करोगे, एड करने के लिए आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, हर कुछ यहाँ पे आपको अवेलेबल किया गया है। तो आप किसी भी तरीके से यहाँ पे एड मनी कर सकते हैं। जैसे कि आप देखिए, आपको पहले अगर आपके पास कोई HDFC अकाउंट रहेगा तो वो शो होता है, तो आपको चेंज पेमेंट मेथड क्लिक करना है। और नीचे में देखिए आपको ऑप्शन आपको दिया गया, हमको दिया गया ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड, जो कि मैं पहले एक बार पेमेंट किया था, तो इसके लिए यहाँ हमको शो हो रहा है। इसके अलावा हमको यहाँ पे देखिए, हमको ICICI बैंक का लिमिटेड यहाँ पे हमको दिखाया जा रहा है, अकाउंट नंबर भी और डेबिट कार्ड भी ऊपर में शो हो रहा है, ICICI क्रेडिट कार्ड शो हो रहा है। कोई और बैंक का क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड है तो नीचे में ऑप्शन आपको दिया गया एड न्यू डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड ऑप्शन पे क्लिक करके आपको एड मनी कर लेना है। ठीक है, अप्लाई कूपन पे क्लिक करते हो तो यहाँ अगर कुछ कैशबैक वाला ऑफर रहेगा तो उसको आप सिलेक्ट करके कैशबैक भी अर्निंग कर सकते हो। ठीक है, अभी आपके पास जो भी CVV कोड रहेगा अपने क्रेडिट कार्ड का, वो CVV कोड आपको यहाँ पर डालना है। फिर एक आपको OTP आ जाएगा। ठीक है, OTP आपको यहाँ पर फिलअप करना है, फिर आपको सबमिट पर क्लिक करोगे ना तो आपका यहाँ पर ट्रांजेक्शन जो है कम्प्लीट इजिली हो जाएगा। अभी फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है, वहां पर देख लीजिएगा, आपको एक भी पैसा चार्ज भी नहीं लग रहा है। जैसे कि 54 था, तो जो भी आपका रहेगा OTP, वो OTP यहाँ पर डाल देना है, जैसे कि 54। उसके बाद में देख लेता हूँ, 54 के बाद है 92 44। ठीक है, चलो यहाँ पर डाल देता हूँ 92 और 44 डाला और सबमिट पे क्लिक करता हूँ। सबमिट पे क्लिक करने के बाद ये प्रोसेसिंग में गया है। प्रोसेसिंग में जाने के बाद वेट कीजिएगा, वेट करने के बाद आपका ट्रांजेक्शन है यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। वो बैलेंस जो है यहाँ पेमेंट सक्सेस हो भी गया है मेरा, यहाँ पे हमारे पेजअप वॉलेट में यहाँ पे देख लीजिएगा, लोड मनी हो चुका है सक्सेसफुली। ये मैं सिर्फ आपको एक एग्जांपल के लिए दिखा रहा हूँ, अगर आपको जितना बैलेंस की जरूरत रहेगा उतना बैलेंस है। अगर आप फुल KYC अगर आपको होता है तो आप 1 लाख तक मनी ट्रांसफर कर सकते हो, और मिनी KYC में सिर्फ 10,000 ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे वॉलेट में हो चुका है, बैलेंस भी अपडेट हो चुका है। ठीक है, अब कुछ अपडेट हो रहा है तो आप वेट कर लीजिएगा, वेट करने के बाद कुछ इस तरीके से शो हो जाएगा कि आपका वॉलेट जो है सक्सेसफुली एड मनी हो चुका है। अभी आपको क्या करना है, नोट नाउ पे क्लिक कर देना है, व्यू होम पे क्लिक करना है, तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा 101 रुपया भी हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर देखिए 101 रुपया 59 पैसा हो चुका है। अब भी आप यहाँ से बैलेंस ट्रांसफर करोगे तो आप यहाँ से भी ट्रांसफर कर सकते हो इजीली, सेंड मनी पर क्लिक करके आप बैलेंस ट्रांसफर कर सकते हो। लेकिन अगर आप यहाँ से करोगे तो आपको चार्ज देना पड़ेगा, तो इसके लिए आपको ट्रिक यूज करना पड़ेगा। यहाँ एक ऑप्शन आपको दिया गया है टू बैंक अकाउंट का ऑप्शन, आप यहां से बैलेंस ट्रांसफर कर सकते हो। आप UPI के जरिए भी कर सकते हो, सेल्फ मनी ट्रांसफर भी कर सकते हो। अगर आप किसी अदर बैंक में करना चाहते हो तो उस बैंक का आप यहां पे नाम सेलेक्ट करके अकाउंट नंबर, री अकाउंट नंबर, IFSC कोड, बेनिफिशियरी का नाम वो डाल के और आपको यहां से पेमेंट कर देना है। ठीक है, अगर आप सेल्फ मनी ट्रांसफर करोगे तो अगर आप इसमें 1-2 अकाउंट एड करके रखे हो तो आप सेल्फ में भी अपना क्रेडिट कार्ड टू बैंक को मनी ट्रांसफर कर सकते हो। इसके अलावा यहां दिया गया है UPI का भी ऑप्शन, UPI के थ्रू कर सकते हो। लेकिन UPI से जब करोगे ना तो आप यहाँ वॉलेट बैलेंस ट्रांसफर नहीं कर सकते हो, ओनली फॉर आप जो ऑफर दिया गया है सिर्फ उतना ही यूज आप कर सकते हो। अभी आप देख लीजिएगा, मेरा कार्ड जो यहाँ पे एक्टिवेट हो चुका है और मेरा यहाँ हाईलाइट भी हो रहा है, पेजैप और प्रीपेड कार्ड HDFC बैंक हमको यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, अभी अगर आपको बैलेंस ट्रांसफर करना है तो वॉलेट पर क्लिक करने के बाद यहाँ एक ऑप्शन आपको दिया गया सेंड मनी टू अकाउंट का, इस पे आपको क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद अभी आपको रिट्राई का ऑप्शन दिया बताया जाएगा, आपका बेनिफिशियरी जो है यहाँ पे एड नहीं है, तो बेनिफिशियरी का पहले आप एड कीजिए और फिर आप यहाँ से कस्टमर को जो है मनी ट्रांसफर कर सकते हो। तो चलो मैं यहाँ से बेनिफिशियरी एड कर रहा था, आपको मैं दिखा देता हूँ कि आपको यहाँ से देख लीजिएगा ऑप्शन दिया गया है सेंड मनी टू अकाउंट का ऑप्शन, यहाँ से आप मनी ट्रांसफर इजिली कर सकते हो। तो चलो पहले मैं बेनिफिशियरी को पहले यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ। उसके बाद गए अगर आपको पेमेंट करना रहेगा तो करना चाहोगे तो पेमेंट करने के लिए अभी आपको पेजैप वॉलेट ओपन करना है। ऊपर एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा स्कैन पे का, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने का आपको गैलरी वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। गैलरी वाला ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके पास एक QR कोड होना चाहिए, जो कि मेरे पास एक पेजैप वॉलेट का ही QR कोड है। ये QR कोड को मैं स्कैन करता हूँ। स्कैन करने के बाद आपको जितना अभी आप क्रेडिट कार्ड से एयर मनी किए हो इतना अमाउंट आपको डाल देना है। अमाउंट डालने के बाद यहाँ देखिए, सबसे पहले आपको पेमेंट करने का जो ऑप्शन मिलता है, चेंज बैंक अकाउंट का ऑप्शन मिलता है। पहले आप जितना अमाउंट डालोगे अमाउंट हो गया, नीचे आप चेंज का ऑप्शन मिलता है, चेंज पर आप क्लिक करोगे। चलो हम चेंज पर क्लिक करते हैं। चेंज पर क्लिक करने के बाद यहाँ आप इजीली जो है अपने डेबिट कार्ड के थ्रू भी कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी कर सकते हो, यानी सब फैसिलिटी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। उसके बाद अगर इसमें एक और अपडेट दिया गया है, इस बैलेंस को निकालने के लिए आपको नीचे आना है या तो ऊपर में एक ऑप्शन आपको दिखा देगा बिल पेमेंट का ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक करते हैं। बिल पेमेंट को क्लिक करने के बाद आपको सिलेक्ट कर लेना है फास्टैग, आपको पेटीएम का फास्टैग सिलेक्ट कर लेना है। अमाउंट अभी आप जितना एड मनी किए हो उतना अमाउंट आप सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, चलो यहाँ पर मैं एक अमाउंट 100 रुपया है हमारे वॉलेट में, तो मैं यहाँ डाल देता हूँ 100 रुपया। ठीक है, 100 रुपया डालने का प्रोसेस टू रिचार्ज पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद यहाँ देखिए आपको दिखाई देता है अमाउंट, उसके नीचे आपको दिखाई देगा पेजअप वॉलेट का 101 रुपया 59 पैसा।
आप लाइव कूपन पे क्लिक करते हो तो यहाँ आपको कम से कम 300 रुपए अगर आप रिचार्ज करते हो तो 300 के ऊपर ये ट्रांजेक्शन आपको जो कैशबैक मिलेगा ना वो वाला कूपन आपको 300 के ऊपर वाला में सिलेक्ट होता है। कम से कम आपको 300 ट्रांसफर करना है। अभी आपको स्वाइप पे क्लिक कर देना है। स्वाइप पे क्लिक करोगे आपका बैलेंस इंस्टेंटली ट्रांसफर होके आपके पेटीएम मर्चेंट अकाउंट में, यानी आपको पेटीएम फास्टैग में चला जाएगा कुछ इस तरीके से। अभी फ्री ऑफ कॉस्ट मनी आपको ट्रांसफर हो जाएगा क्रेडिट कार्ड टू बैंक पर मनी ट्रांसफर। यहाँ पर दो ट्रिक बताइए हूँ। आपके पास कोई भारत क्यूआर कोड है तो उसको स्कैन करके पेमेंट कर सकते हो। अगर आपके पास कोई भारत क्यूआर कोड नहीं है तो आप ये ट्रिक यूज करके क्रेडिट कार्ड टू बैंक और फ्री ऑफ कॉस्ट मनी ट्रांसफर कर सकते हो। 300 से ऊपर का जो भी ट्रांसफर करोगे उसके ऊपर आपको ऑफर सेलेक्ट होता है, आपको कुछ ना कुछ कैश बैक भी प्राप्त हो ही जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप सभी वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो जरूर चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा।